दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 18 अक्टूबर सन 2024 शुक्रवार। दोस्तों तिलहन पर यानी खाद्य तेल और खाद्य सरसों, सोयाबीन, पाम तेल, सीबीडी, आरबीडी, पामोलिन, इन सब पर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल। खबर निकल के आ रही है कि सरसों के दाम स्थिर बताए जा रहे हैं आज 18 तारीख को, जबकि सरसों तेल में गिरावट दर्ज हो रही है। दूसरी ओर आरबीडी पामोलिन और सोया तेल और सूरजमुखी तेल के अंदर मामूली बढ़त बाजारों में देखी जा रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी, कहने से कभी कोई फायदा होता नहीं है। विशेष रिपोर्ट नवंबर की, आगे क्या संभावनाएं बन सकती हैं, विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। साथ साथ हमारा साप्ताहिक अखबार जो कि मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है, उसके लिए भी संपर्क किया जा सकता है। खबर निकल के आ रही है कि अक्टूबर 18 सन 2024 मस्टर्ड सीड्स के भाव फ्लैट हो गए हैं, जबकि मस्टर्ड ऑयल के दाम गिरावट दर्ज हो रही है। यानी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि मस्टर्ड सीड 42 कंडीशन जयपुर में 6,700 से 6,725 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। इसके अंदर जीएसटी अतिरिक्त होगा। साथ साथ बेंच मस्टर्ड ऑयल एक्सपेलर यानी सरसों तेल एक्सपेलर की कीमतों में 10 रुपये की गिरावट के होकर ये 1,360 से 1,361 रुपये प्रति 10 किलोग्राम हो गए हैं जयपुर में, जबकि कच्ची घानी सरसों तेल के दाम भी 10 रुपये गिरकर 1,370 से 1,371 रुपये प्रति 10 किलो बताए जा रहे हैं। सरसों खल की कीमतों के अंदर 2,500 से 2,505 रुपये प्रति क्विंटल के भाव कोट हो रहे हैं जयपुर राजस्थान में। साथ साथ मस्टर्ड सीड के जो है वो दिल्ली के अंदर भाव 6,425 से 6,475 के भाव बताए जा रहे हैं, और मस्टर्ड ऑयल एक्सपेलर के भाव 1,330 रुपये प्रति 10 किलोग्राम बताए जा रहे हैं। चरखी दादरी की हम बात करें तो वहाँ भी सरसों के भाव 6,375 से 6,425 रुपये प्रति क्विंटल हैं, और मस्टर्ड ऑयल एक्सपेलर के भाव 1,320 रुपये प्रति 10 किलोग्राम रह गए हैं। सरसों खल के भाव में 15 रुपये की मामूली तेजी हो गई, ये 2,440 रुपये प्रति क्विंटल चरखी दादरी में कोट हो रहे हैं। जहाँ तक सरसों की आवक का सवाल है, सरसों की आवक 3,25,3.25 लाख यानी 3.25 लाख बोरी की आवक के समाचार हैं पूरे देश में। इसमें राजस्थान के अंदर 1,65,000, मध्य प्रदेश में 40,000 और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 45,000 और पंजाब और हरियाणा में लगभग 10,000 और बाकी गुजरात में 15,000 और बाकी राज्यों में 50,000 बैग मिलाकर 3,25,000 बैग की आवक के समाचार मिल रहे हैं। अब हम दूसरे खाद्य तेलों के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। कांदला बंदरगाह पर क्रूड पाम ऑयल यानी सीपीओ का के दाम 10 रुपये तेज होकर 1,205 रुपये प्रति 10 किलोग्राम हो गए हैं। साथ साथ आरबीडी पामोलिन के तेल के भाव फ्लैट बताए जा रहे हैं, ये 1,260 रुपये प्रति 10 किलोग्राम है, जबकि सोया रिफाइंड तेल के दाम 10 रुपये तेज होकर 1,235 रुपये प्रति 10 किलोग्राम बताए जा रहे हैं। डिगम के बाद के दाम में भी कुछ 10 रुपये की तेजी होकर ये 1,214 रुपये प्रति 10 किलोग्राम है। सूरजमुखी तेल के भाव में भी 10 रुपये की तेजी होकर ये 1,290 रुपये प्रति 10 किलोग्राम बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर अब खाद्य तेल एक निर्णायक मोड़ पर आ गया। तो दोस्तों विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो पाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।